लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए तथा शासन आदेश के दिशा निर्देश अनुसार कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था का उप जिला अधिकारी लालगंज जीत लाल सैनी, क्षेत्राधिकारी लालगंज इंद्रपाल सिंह, प्रशिक्षु आईपीएस पलाश बंसल, निरीक्षक राजकुमार पांडे ने मई फोर्स पैदल मार्च कर लॉकडाउन सफल बनाने के लिए आम जनमानस से अपील की है। बुधवार को क्षेत्राधिकारी इंद्रपाल सिंह ने पूरी पुलिस टीम के साथ पैदल मार्च कर लालगंज कस्बे के चौराहों, मोहल्लों व गलियों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया है। यहां आपको बताते चले कि इन दिनों पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूरा देश एकजुटता दिखा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लालगंज कस्बे के विभिन्न चौराहों व गलियों में पुलिस पैदल मार्च कर वचनबद्ध दिखाई दे रही है तथा रात दिन पुलिस गश्त कर रही है। लालगंज कस्बे के विभिन्न स्थानों का क्षेत्राधिकारी इंद्रपाल सिंह, उप जिला अधिकारी जीत लाल सैनी, प्रशिक्षु आईपीएस पशाल बंसल एवं राजकुमार पांडे ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर लॉकडाउन को सफल बनाने का प्रयास किया है तथा कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी इंद्रपाल सिंह ने कहा कि आप सभी अपने घर के अंदर रहें, आपकी सेवा के लिए लालगंज पुलिस वचनबद्ध है, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी, आपकी रक्षा के लिए हम मैदान में डटे हुए हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तुरंत सूचित करें और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं कोई भूखा ना सोने पाए, हर जरूरतमंदों को मदद के लिए पुलिस वचनबद्ध है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लालगंज सर्किल थाने की पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है, 24 घंटे में क्षेत्र भ्रमण कर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की जा रही है। बेवजह घर से बाहर घूमने और लॉकडाउन को तोड़ने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा चुकी है। सभी लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत दी गई है। घरों से बाहर घूमते हुए पाए जाने पर क्षेत्राधिकारी ने कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी है। क्षेत्राधिकारी ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप सभी अपने घरों में ही रहें और सतर्कता बरतें, तभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि लालगंज सर्किट के अंतर्गत आने वाले चार थानों गुरुबख्शगंज, लालगंज, सेरनी और खीरों में लॉकडाउन का हमारे द्वारा कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। लालगंज सर्किल के अंतर्गत वही दुकानें खुल रही है जिनका परमिट है और उनके अलावा सभी दुकानें बंद हैं। परमिट के बाद भी जो दुकानें खुली हैं उन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इस दौरान लोगों को एक मीटर डेढ़ मीटर दूरी बनाने के लिए गोल घेरे में खड़े रहते हुए आवश्यक सेवाएं की वस्तुएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि गुरुवार से लालगंज सर्किल के अंतर्गत आने वाले चारों थाने में पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी के निर्देशानुसार लोगों को लॉकडाउन का और सख्ती से पालन कराया जाएगा और इस दौरान यदि कोई भी दो पहिया या चार पहिया से बिना किसी आवश्यक कार्य के घूमता फिरता या अफरा तफरी करता दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ जिन लोगों का परमिशन है, जो हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हैं, केवल इनको छोड़कर यदि कोई पैदल भी अनावश्यक घूमता हुआ, बेवजह घरों से निकलता टहलता हुआ मिला तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जाएगी। रायबरेली से संवाददाता सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.